वेलकम टू ए बी सी कैंपस आज हम अकाउंटिंग फंडामेंटल्स में एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं जिसके अंदर हम डेबिट एंड क्रेडिट के जो हमारे रूल्स हैं उनको डिटेल में अप्लाई कर रहे होंगे तो डिफरेंट हमारे पास ट्रांजेक्शन है टोटल टेन ट्रांजेक्शन हैं इस वीडियो में और इन ट्रांजेक्शन के ऊपर हम डेबिट और क्रेडिट के रूल्स अप्लाई कर रहे होंगे और अप्लाई करके आइडेंटिफाई कर रहे होंगे कि कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए तो हम अपने सामने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स भी रख लेते हैं जो कि बिल्कुल सिंपल है कि एसेट एक्सपेंस और ड्राइंग्स इंक्रीज होने पर डेबिट होंगे और डिक्रीज होने पर क्रेडिट होंगे जबकि लाइबिलिटी इनकम और कैपिटल इंक्रीज होने पर क्रेडिट और डिक्रीज होने पर डेबिट हो रहे होंगे सो so, सबसे पहली ट्रांजेक्शन हमारे पास है कि हमने क्रेडिटर को पेमेंट की है कैश में तो यहां पर हमारे पास जो क्रेडिटर्स हैं यानी अमाउंट पेएबल है एक रेलिवेंट अकाउंट वो बनता है और दूसरा कैश बैलेंस का अकाउंट बनता है ट्रेड क्रेडिटर्स जो हैं ये लाइबिलिटी होते हैं और जब हमने इनको पेमेंट कर दी तो ये लाइबिलिटी डिक्रीज होगी और डिक्रीज होने की वजह से डेबिट होगी दूसरी तरफ जो हमारे पास कैश का बैलेंस है ये हमारा एसेट होता है और कैश पे करने से हमारा ये एसेट डिक्रीज होगा और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है सेकेंड ट्रांजैक्शन देखते हैं बाउट फिक्सचर पेइंग बाय चेक फिक्सचर्स खरीदे हैं और पेमेंट चेक से किया है तो एक तो फिक्सचर्स का एसेट अकाउंट रेलेवेंट है दूसरा क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक बैलेंस हमारा रेलिवेंट अकाउंट है फिक्सचर्स एसेट्स हैं फिक्सचर्स खरीदने से इंक्रीज हुए तो जब एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है बैंक बैलेंस भी हमारे पास एक एसेट है लेकिन फिक्सचर खरीदने की वजह से हमने जो चेक दिया है उससे हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और एसेट जब डिक्रीज हो तो वो क्रेडिट होता है थर्ड ट्रांजैक्शन है कि बाउट गुड्स ऑन क्रेडिट गुड्स क्रेडिट पर खरीदी हैं तो गुड्स के खरीदने को हम परचेजेस कहते हैं और उधार पर खरीदी है तो इसका मतलब है कि एक ट्रेड क्रेडिटर यानी अमाउंट पेएबल क्रिएट हो जाएगी तो ये हमारे दो रेलिवेंट अकाउंट हैं परचेजेस जो हैं ये एक्सपेंसेस हैं और परचेजेस करने की वजह से जब इंक्रीज होंगी तो डेबिट होंगी ट्रेड क्रेडिटर्स पेएबल यानी अमाउंट ये हमारी लाइबिलिटी है और उधार पर चीजें खरीदने की वजह से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी जब लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होती है ट्रांजेक्शन देखते हैं द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस फर्दर कैश इन टू द बिजनेस तो कैश हमें मिला है और प्रोप्राइटर की तरफ से मिला है यानी ऑनर का कैपिटल अकाउंट तो एक अकाउंट कैश का रेलिवेंट है दूसरा कैपिटल का रेलिवेंट है कैश के अकाउंट की नेचर यह है कि दिस इज एन एसेट और बिजनेस को कैश रिसीव हुआ है तो बिजनेस के पास कैश का एसेट इंक्रीज होगा और डेबिट हो जाएगा याद रखें कि आपने बिजनेस का परस्पेक्टिव देखना है ऑनर का परस्पेक्टिव नहीं देखना आपने ये देखना है कि बिजनेस को पैसे रिसीव हुए हैं ये नहीं देखना कि ऑनर के लिए पैसों में क्या चेंज आया क्योंकि तो हम अकाउंटिंग बिजनेस की कर रहे होते हैं ऑनर की नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा अकाउंट हमारे पास कैपिटल है कैपिटल अकाउंट की नेचर इक्विटी की होती है और जब ऑनर की इन्वेस्टमेंट बिजनेस में बढ़ती है तो उनका कैपिटल बिजनेस में बढ़ जाता है और कैपिटल इंक्रीज हो तो क्रेडिट हो जाता है जैसे तो कैपिटल भी कह सकते हैं और इक्विटी भी कह सकते हैं फिफ्थ ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं अब बैंक लैंडजास यानी बैंक ने लोन दिया हमें कैश में तो एक तो कैश अकाउंट रेलिवेंट है दूसरा बैंक लोन का अकाउंट रेलिवेंट है कैश इज एन एसेट और जब हमें कैश ये रिसीव हुआ होगा तो एसेट इंक्रीज होने की वजह से डेबिट हो जाएगा बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी है और बैंक लोन लेने से हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज होगी लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो क्रेडिट हो जाती है नेक्स्ट आइटम देखते हैं अ डैटर पेज अस बाय चेक डेटर मतलब रिसीवेबल जो हमारे कस्टमर जिनको हमने गुड्स बेची हुई होती हैं क्रेडिट पर वो फिर बाद में हमें जब पेमेंट करते हैं तो हम कहते हैं डेटर ने पे कर दिया हमें कैश में भी पे कर सकते हैं और चेक में भी यहाँ चेक से पेमेंट हुई है तो एक तो बैंक बैलेंस रेलिवेंट है दूसरा ये कि जो डेटर का अकाउंट है यानी रिसीवेबल का अकाउंट वो रेलीवेंट है बैंक बैलेंस हमारा एसेट है और पैसे रिसीव होने से हमारा ये एसेट इंक्रीज हुआ इसलिए डेबिट होगा ट्रेड डेटरबल ये भी हमारा एसेट है लेकिन जब हमने उनसे पैसे ले लिए तो हमारा ये वाला एसेट डिक्रीज होने की वजह से क्रेडिट होगा ट्रांजेक्शन नंबर सेवन देखते हैं वी रिटर्न गुड्स कॉस्टिंग टू अ सप्लायर हुज बिल वी हैड नॉट पेड तो हमने एक सप्लायर को चीज़ें वापस की हैं और उसके पैसे अभी हमने नहीं दिए थे यानी उसके पैसे पेबल थे तो एक तो पेबल अकाउंट आ जाएगा और दूसरा हमने गुड्स जब खरीदते हैं तो उसे परचेजेस कहते हैं और जब वापस करते हैं तो उसे परचेज रिटर्न कहते हैं तो यहाँ पर जो पेबल्स हैं ये हमारी लाइबिलिटी है और चीज़ें वापस करने की वजह से लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो डेबिट होगी और परचेज रिटर्न जो है परचेजेस क्योंकि एक्सपेंस होती हैं परचेज रिटर्न से वो एक्सपेंस हमारा कम हो जाता है तो जब एक्सपेंस कम होगा तो क्रेडिट हो जाएगा नेक्स्ट है अबाउट एडिशनल शॉप फिक्सर्स पेइंग बाय चेक तो जैसे ट्रांजेक्शन नंबर टू को रिकॉर्ड किया था बिल्कुल वैसे इस ट्रांजेक्शन को भी रिकॉर्ड करेंगे मजीद सेम चीज खरीदें सेम वे में पेमेंट की है तो एक फिक्सर अकाउंट है एक बैंक अकाउंट है का एसेट इंक्रीज होने की वजह से डेबिट हो जाएगा और बैंक बैलेंस का एसेट डिक्रीज होने की वजह से क्रेडिट हो जाएगा फिर है बाउट अ वैन ऑन क्रेडिट ये भी सिमिलर ट्रांजेक्शन है वैन क्योंकि एक एसेट है तो इसको लिखेंगे और क्रेडिट पे खरीदा यहाँ पे चेक्स पेमेंट नहीं हुई तो हमारा एक पेबल क्रिएट हो जाएगा वैन की नेचर यह है कि दिस इज एन एसेट और इंक्रीज होने की वजह से डेबिट होगी पेबल फॉर वैन जो है ये एक लाइबिलिटी है और ये लाइबिलिटी इनकर होने की वजह से इंक्रीज होगी तो इसको हम क्रेडिट करेंगे लास्ट ट्रांजेक्शन हमारे पास है कि रीपेड बाय कैश लोन टू बैंक तो एक लोन वापस कर दिया है और कैश में वापस किया है तो एक तो लोन अकाउंट यहाँ पे रेलिवेंट है दूसरा कैश का बैलेंस रेलिवेंट है बैंक लोन हमारी लाइबिलिटी होती है वापस करने से ये लाइबिलिटी जब डिक्रीज होगी तो डेबिट कर देंगे और क्योंकि कैश हमने पे किया है, तो हमारा कैश एक एसेट है और कैश पे करने की वजह से ये डिक्रीज हुआ होगा बैलेंस कम हो गया होगा तो ये क्रेडिट कर देंगे सो दैट्स ऑल फॉर टुडे हैव अ गुड डे